सो गाइस देख सकते हो आप मैम का यहाँ पे पहले बटरफ्लाई था, अभी ये नटराज होगा और इसको पूरा कवर अप करना है गाइस। अपॉइंटमेंट है जो कि कवर अप है मैम का। तो मैम आप कहाँ से हैं? पुरुलिया। तो हमारा वर्क आप कहाँ पे देखा है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। अच्छा, तो आपका पेन कैसा है अभी? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मैम को, क्योंकि पहले से एक टैटू है उसके ऊपर और एक टैटू होने से थोड़ा सा पेनफुल होगा ये। और मैम को ज़्यादा हिंदी नहीं आती क्योंकि यहाँ तो वेस्ट बंगाल है, सब कोई बंगाली में ही बात करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टैटू। सो गाइस देख सकते हो मैम का कितना पेन हो रहा है, क्योंकि ये एक टैटू का ऊपर और एक टैटू हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा पेन हो रहा है मैम को। मैम कैसा महसूस हो रहा है देख सकते हो गाइस? मैम का पेन होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कवर अप है और एक बार हो रहा है, तभी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। क्या पता अभी 3-4 दिन से सिर्फ कवर अप ही हो रहा है, जितना भी टैटू हो रहा है सिर्फ कवर अप ही हो रहा है। अभी 1 घंटा के बाद का अपॉइंटमेंट है, जो वो भी है कवर अप ही है, तो क्या करूँ, कवर अप है तो करना ही पड़ेगा कवर। तो गाइस मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि टैटू अपना स्किन बॉडी पे टैटू बनाए तो सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि मेला में जो टैटू सब होता है वो तो स्किन के लिए मतलब एक रिस्क होता है, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम होती है। और एक बात कि आप अच्छे जगह पे टैटू बनवाओगे तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे और एक बार कवर अप हो जाए, कष्ट भी होता है पैसे भी खर्च होते हैं, इससे अच्छा आप जहाँ पे भी जाओ सोच समझ के जाओ एंड जिसके पास भी जाओ, जो जैसे भी स्टूडियो पे जाओ उसका टैटू वर्क देख के आप लोग जाओ, कि आप लोगों को समझ आए कि वो कैसे टैटू बनाते हैं या उसका रिव्यू कैसा है। तो ये बताऊंगी कि आप लोग जहाँ पे भी जाओ अच्छे से जाओ एंड सोच समझ के टैटू बनाओ, कि बाद में कवर अप नहीं होगा। सो फाइनली मैम का टैटू कंप्लीट हो चुका है। सी दिस टैटू गाइस, इसका नीचे बटरफ्लाई था जो कि पूरा कवर हो चुका है। सो मैम कैसा लगा आपको टैटू?
बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज का वन मोर अपॉइंटमेंट है मंडला, जो कि ये सर का डिजाइन है, देख सकते हैं कस्टमाइज किया हुआ है। तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं पुरुलिया से ही हूँ। अच्छा, तो हमारा वर्क आप कहाँ पे देखा है? यूट्यूब पे देखा है, फेसबुक में पोस्ट देखता हूँ। अच्छा। और इंस्टा पे भी फॉलो करता हूँ आपको। अच्छा। तो आपका घर यहीं पे है? हाँ, प्रॉपर पुरुलिया में है। तो आज ही बनाने का क्या रीजन है? एक्चुअली आज मेरा ड्यूटी भी कम था और छुट्टी हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा आज खाली बैठे हैं तो कर लिया जाए, टाइम भी मिल रहा है। बहुत दिन से सोच रहे थे कि बनाना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए आज ही बना। तो पेन कैसा है आपका सर? पेन थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, नीचे के साइड में थोड़ा पेन हो रहा है। यहाँ जो भी करता है पेन सबको ही होता है, लेकिन कोई भी बताता नहीं कि पेन हो रहा है, क्योंकि ये जगह ही है पेनफुल। तो सर आप क्या करते हैं? मैं रिटेल में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब पुरुलिया पे? हाँ, ये जो ट्रेंड्स है ना। अच्छा, तो ट्रेंड्स में मैं जॉब करता हूँ। तो मेरे से बनाने का रीजन क्या है? एक्चुअली आपका वर्क मेरे को अच्छा लगा, और जिन जिन से मैंने रिव्यू लिया तो उन लोगों का भी रिव्यू बहुत अच्छा आया, तो इसीलिए आपसे। थैंक यू सर। अभी थोड़ा देरी पहले ये मूंछों पे ताव दे रहा था, और अभी इसका एक्सप्रेशन देख सकते हो। भाई नीचे का सेड है ये। पेनफुल एरिया। कितना पेन हो रहा है? सो फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो चुका है। सी दिस टैटू गाइस, ये हमारा खुद का ही कस्टमाइज किया हुआ डिजाइन है। तो सर कैसा लगा आपको टैटू? जितना सोच के आया था भाई, उससे भी बहुत अच्छा बना है। मुझे आशा नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा भाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यू हैप्पी ना? यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।